त्यौहार हो या कोई शुभ काम हो, मीठे में सबसे पहले नंबर आता है वो खीर का। तो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ चावल की खीर। चावल की खीर हफ्ते में तो एक बार बन ही जाती है, इसे बनाना बहुत ही आसान है। आइए चलते हैं खीर बनाने। खीर बनाने के लिए ऐसा बर्तन लेंगे जिसका तला थोड़ा भारी हो, और थोड़ा बड़ा बर्तन भी होना चाहिए। अगर हम 1 लीटर के दूध के लिए खीर बना रहे हैं तो बर्तन ऐसा हो जिसमें 2 लीटर दूध आ जाए। जो बर्तन में आप बना रहे हैं उसे बनाने से पहले थोड़ा पानी डाल लें, और पानी डाल के अच्छी तरह से धो लें। इससे होता है कि दूध जब उबलता है तो वह जलता नहीं है, मतलब कि कढ़ाई में लगता नहीं है। ये 1 लीटर दूध है, फुल क्रीम दूध है। अब गैस ऑन कर देते हैं और दूध में उबाल आने देते हैं, और इसे हम चला लेंगे। और इसे चलाते समय कढ़ाई के तले में ले जाते हुए चलाएंगे, क्योंकि कढ़ाई के तले में बिल्कुल दूध नहीं लगना चाहिए। यहाँ पर गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखना है। तो यहाँ पर हमने 1/4 कप चावल 1 घंटे पहले पानी से अच्छी तरह से धोकर भिगो दिए थे। भिगोए हुए चावल हैं तो यह काफ़ी नरम हो गए हैं। चावलों को भिगोना बहुत ज़रूरी है ताकि दूध में आसानी से गल जाए। यहाँ पर खीर में डालने के लिए हमने 1/4 कप चावल लिए हैं, एकदम छोटे वाले चावल हैं। ये चावल बहुत ही जल्दी गल जाते हैं, और ध्यान इतना ही रखना है कि 1-2 मिनट में खीर चला देना है। खीर को पकाते हुए 8 से 10 मिनट हो गए हैं, और इसे हम थोड़ी थोड़ी देर में चलाते जा रहे हैं। और थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए और दूध का गाढ़ा होने तक और चावलों को दूध में अच्छी तरह से मिलने तक इसे पकाते रहेंगे। यहाँ पर चावल हल्का पक गए हैं, अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट डाल देंगे। मैंने यहाँ ड्राई फ्रूट में 2 चम्मच किशमिश ली है, 2 चम्मच काजू, 2 बादाम और नारियल लिए हैं, और थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए इसे पकाएंगे। और यहाँ पर आप बिना ड्राई फ्रूट के भी बना सकते हैं। यहाँ केवल इलायची से भी डालकर बना सकते हैं। अब हम इसमें 2 इलायची डाल देंगे। यहाँ चावल और दूध दोनों अच्छी तरह से मिल गए हैं। चीनी डालेंगे। मैंने यहाँ 1 कटोरी चीनी ली है। यहाँ चीनी डालने के बाद 3 से 4 मिनट तक इसे पकाएंगे। खीर यहाँ अच्छी तरह से बन गई है।